सो हेलो एवरीवन, आज हम अपना सीबीएसई ने जो आपका क्लास 10th का सेम पेपर रिलीज करा है 2020 और 21 के लिए, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को यहां पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि इस बार आपके टर्म के अंदर ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, तो जो रिड्यूस सिलेबस है उसी के अंदर से सीबीएसई ने इस बार आपका सेम पेपर बनाया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। मतलब फेरस सल्फेट की बात कर रहा है, यानी FeSO4 की बात कर रहा है कि जब आप फेरस सल्फेट को अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट करते हो तो वहां पर आपका क्या चेंजेस आते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कलर आपको ऑब्जर्व होता है ना, वो आपको वहां पर ब्राउन कलर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ब्राउन कलर आपको वहां पर देखने को मिलता है। और एक आपकी यहाँ पर कलरलेस गैस, एक तो पहले आपको ब्राउन कलर वहां पर देखने को मिल जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, दूसरी आपकी एक गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, आपकी वहां पर गैस इवॉल्व होती है और वो गैस किसके लिए यूज की जाती है, आपकी गैसेस के अंदर यूज की जाती है। तो दो ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, एक तो ब्राउन कलर का प्रिंसिपल लिख सकते हो और दूसरी चीज गैस के बारे में लिख सकते हो। दूसरा क्या है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था कि अगर आप 1 ml HCl, मतलब 1 ml HCl और 1 ml सोडियम मेटल को अगर आप डालें तो वहां पर क्या होगा। बहुत सिंपल है, क्या कर सकते हो आप इसको, इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से आप जरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है कि आप क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ आप मेटल के साथ किसको रिएक्ट करा रहे हैं, अपने HCl मतलब एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं। तो जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी एसिड को रिएक्ट कराते हैं आप मेटल के साथ, तो वहां पर क्या फॉर्म होता है, मैंने आपको बताया हुआ है सर, वहां पे हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होती है और उसके साथ आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सॉल्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, NaCl, और गैस कौन सी निकल जाएगी, हाइड्रोजन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला सॉल्ट यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, तो वहां पर यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट और 10 वाटर के मॉलिक्यूल यानी डेकाहाइड्रेट, इसका यूज किया जाता है वहां पर आपके परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। क्लियर है वाली चीजें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन होमोलोगस सीरीज। आपको पता है होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इसके मैं सारे पॉइंट्स आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको बताने है कि होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व नहीं होती। तो पहला लिखा है केमिकल चेंज इन आपकी चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंस इन CH2 और 14 न्यू मॉलिक्यूलर मास, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेम फंक्शनल ग्रुप। आपको ये चारों दिया हुआ है, तो अगर आपको पूछा कि कौन सी चीज चेंज नहीं होती, आपको पता है कि होमोलोगस सीरीज आपको मैंने लिखनी सिखाई भी है, तो उसके अंदर आपको मैंने सभी बातें बताई थी कि आपका CH2 का चेंज होता है या 14U का मास, ग्रेजुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी होती है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। बट ये ए वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको नहीं बताई थी कि केमिकल चेंज होता है, वहां पर फिजिकल चेंज होता है आपका। फिजिकल चेंज कौन कौन सा बताया था, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट, ये आपकी चेंज होती है बट आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, तो यानी फर्स्ट वाला आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगली चीज है कि व्हाई डज सन अपीयर व्हाइट एंड नून, यानी दोपहर के टाइम पे ये आपका व्हाइट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर क्या होता है बेटा कि आपकी जो रेज होती है उनको ज्यादा आपका डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, मतलब वो क्या होते हैं, लीस्ट स्कैटर्ड होते हैं, लीस्ट स्कैटर्ड होते हैं। आपकी जो व्हाइट राइज आती होती है, अगर आपको बताऊं ये सन रहा और ये आपका होरिजन है, ठीक है, तो आपका जब नून के आसपास में इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो लाइट है आपकी कम स्कैटर्ड हो रही है। ठीक है, और अगर आपके अगर हम बात करें मॉर्निंग की और इवनिंग की, तो मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर आपकी जो सन है, तो सन की लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, मतलब उसको ज्यादा स्कैटर्ड होना पड़ रहा है, तो इसीलिए इस टाइम पे यहाँ पर अगर आप बात करें तो रेड कलर का दिखाई देता है, और इस टाइम पे किसका दिखाई देता है आपको,
वॉलेट कलर का या फिर व्हाइट कलर का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन मिरर ऑफ द फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर आपके रखा गया, और इसने पूछा है कि किस तरीके का ये आपका मिरर है और किस तरीके का आपका यहाँ पर लेंस है। तो अगर हम बात किया जाए तो आपका लेंस और आपका ये दोनों कौन से होंगे बेटा, ये आपके दोनों कॉनकेव होंगे। दोनों क्या होंगे बेटा, आपके कॉनकेव होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का जो बेटा फोकस बनेगा ना, फोकस दोनों का आपका लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा, और एज पर साइन कन्वेंशन उन उसके लिए क्या यूज किया जाता है, माइनस साइन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है। अगर हम सिक्स क्वेश्चन की बात करें, द इमेज इज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व इन रियल एंड इन्वर्टेड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पे इन चीजों के बारे में बताना है कि इमेज यहाँ पर रखी गई है और आपका ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ हुआ हुआ है, तो यहाँ पर आपका कैसे आपको जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका कॉनकेव मिरर के अंदर रियल इन्वर्टेड और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो सिंपल सा है कि आप क्या कीजिए, इसको फोकस के बीच में और आप अपने किसके बीच में, फोकस और आपका जो ऑप्टिकल पॉइंट होता है यानी पोल होता है, उन दोनों के बीच में रखेंगे तो आपको ये सारी चीजें ऑब्जर्व होंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेम ऑफ द प्लांट थ्रू विच द रेज ऑफ लाइट पास थ्रू विदाउट एनी डेविएशन। तो आपको मैंने बताया था कि लेंस के अंदर एक पार्ट होता है जिसको आप क्या बोलते हो, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हो, जहां से लाइट आपकी विदाउट एनी डिफ्रैक्शन और डेविएशन के पास होती है, उस पॉइंट से पास होने पे कोई भी आपको वहां पर रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलती, और आपका ये पॉइंट कहाँ होता है बेटा, सेंटर के आसपास मौजूद होता है। सेवेंथ क्वेश्चन में बात करें तो दो कॉइल्स को आपस में ऐसे अरेंज किया हुआ है, दो ऑब्जर्वेशन आपको बताना है। अगर आपने यहाँ पे क्या किया, आपने क्या किया, यहाँ पे सर्किट को इंसर्ट किया हुआ है और आपने पहले तो इसके अंदर की लगाई और की निकाल ली, तो इसके अंदर क्या फर्क पड़ता है आपको वो बताना है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। चलिए तो अगर इसके अंदर हम बात करें तो आपको यहाँ पे बता रखा है, तो अगर आपने यहाँ पे पहले की डाली, की डालने से क्या हुआ कि यहाँ पे सर आपका करंट फ्लो हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपका करंट के अंदर चेंज आया, तो करंट के अंदर यहाँ पर चेंज आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर आपकी डिफ्लेक्शन को शो करेगा। और आपने क्या करा, जब आपने करंट को निकाला तो करंट को निकालने से क्या हुआ कि यहाँ पे करंट ऑफ हुआ, करंट ऑफ हुआ तो यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से आपका यहाँ पर करंट दोबारा फ्लो हुआ। तो बेसिकली यही क्वेश्चन था आपका कि करंट आपका जब भी आपने इसके अंदर करंट इंसर्ट करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, चेंज होता है आपका किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से सर आपका यहाँ पर कोएगलोमीटर के अंदर आपको वहां पर डिफ्लेक्शन दिखाई देती है। तो यही चीज आपको यहाँ पर एग्जाम में आंसर में लिखनी थी, और इस फिनोमिना का जो नाम होता है इसको आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे तो म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से बोला जाता है। अगर मैं एट्थ क्वेश्चन की बात करूं तो ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत सिंपल है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है ये थंब रूल जिसको आप बेसिकली बोलते हैं। कैसे बोलते हैं कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो आप यहाँ पर थंब रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी जो बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी, बना रखा है आप लोगों ने, तो इसी के बारे में सारी चीजें लिख दीजिएगा। ये सारा चीजें एक पॉइंट के अंदर डायग्राम बोला हुआ है, डायग्राम यहाँ पर बन जाए। चलिए ये वाली चीज समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि टू अनइक्वल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल आपको कनेक्ट किया गया है, नॉट प्रोवाइडेड विद द पैरामीटर, और क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है आपका किसके अक्रॉस, आपके रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका, ठीक है, तो अक्रॉस आपका यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्चुअल में होगा क्या, तो फर्स्ट के अंदर क्या होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप पूछा हुआ है अगर पैरेलल में कनेक्ट, तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या रहता है कि आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, और वहां पे आपका करंट डिवाइड होता है, तो
तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे पूछा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप दोनों की तरफ में क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर यहाँ पे करंट की बात पूछी जाती है, तो करंट की बात पे आप क्या लिखते हैं कि सर ये क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपका करंट था, आपका जो ऊपर वायर में फ्लो कर रहा है। और ये बी क्या है बेटा आपका, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। आपको मैंने स्मॉल नोटेशन बताई थी कि बी को मैग्नेटिक फील्ड से दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर पूछा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट से आपने क्या करा है, एक क्यू चार्ज को उठाकर एक दूसरी पोजीशन पे रख रहे हो, तो यहाँ पर जितना भी वर्क डन लगता है उसको क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो। तो आपने फॉर्मूला भी बताया था कि वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू, आपका क्या कहता है, इसका फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगला अगर हम टेंथ क्वेश्चन की बात करें, तो टेंथ क्वेश्चन क्या है कि वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वेल्स जस्टिफाई। तो वेन्स की बात कर रहा है और यहाँ पे वेल्स की बात कर रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा है आपसे, ब्लड की बात करना चाहता है, आपसे हार्ट की बात करना चाहता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो वेन्स होती है उनकी थिन वॉल्ड क्यों होती है, थिन वॉल्ड इसलिए होती है क्योंकि वहां पर क्या होता है, बिकॉज द ब्लड इज देयर फॉर नो लॉन्गर, There the pressure have been created in the one direction. तो veins के अंदर होता क्या है basically कि आपका जो blood होता है वो आपका इतनी देर तक नहीं रहता और blood आपका बहुत तेज pressure से आ रहा होता है और सिर्फ एक direction के अंदर आपका ऐसे flow करता है। ठीक है, तो यही आपको इसके अंदर बताना था, एक marks का question था। अगला question क्या है कि how is the small intestine adapted to perform the function of absorption of food. तो आपको बताया था कि small intestine के पास क्या मौजूद होते हैं, small intestine के पास finger like projection मौजूद होते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, विलाई बोलते हो, और वो आपके absorption of food को carry out करते हैं। तो बहुत simple था। आप पूछा है goat और tiger, इन दोनों में से किसके पास आपकी जो intestine होगी वो आपकी longer होगी और किसके पास आपकी स्मॉल होगी। तो अगर हम बात करें तो गोट क्या करता है आपके, सिर्फ घास फूस बच्चे खाता है, मतलब ये आपका हर्बीवोरस होता है। और जो टाइगर होता है वो क्या होता है बेटा, आपका ओमनीवोरस होता है। समझ में आ गया। तो अगर हम इन दोनों के अंदर कंपैरिजन में बात किया जाए, तो जो हर्बीवोरस होते हैं उनके पास जो लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, तो गोट के पास आपकी ज्यादा बड़ी इंटेस्टाइन होगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज द ओजोन बीच डेडली पॉइजनस टिल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। आपको पता है कि अगर हम बात करें हमारे एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट के अंदर जो आपकी लेयर्स होती हैं, जो एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स होती हैं, वो किसकी होती हैं, ओजोन की होती हैं। वो अपने को बाहर से सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अगर बात किया जाए 13 क्वेश्चन का, तो गिव द रीजन व्हाई फूड चेन हैव मोर ट्रॉफिक लेवल्स, फूड चेन कैनॉट हैव मोर ट्रॉफिक लेवल्स। आपको मैंने एक लेवल पढ़ाए थे अगर आपको याद हो, ऐसे करके आपको एक मैंने लेवल पढ़ाए थे फूड चेन के अंदर। ठीक है, ऐसे करके आपको ना, तो इसके अंदर पूछ रहा है कि एक दो तीन चार, चार लेवल से ज्यादा सर क्यों नहीं हो सकते, अगर हम चाहें चार से लेवल यूज करना तो क्यों नहीं हो सकते। तो आपको पता था कि यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो आपका बहुत कम होता है, जिसके अंदर 10% लॉ को भी आप यहाँ पर यूज करते हैं, तो जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो आपका यहाँ पर स्लो होने की वजह से और हर स्टेप के अंदर आपकी एनर्जी कम होने की वजह से आपका चार से ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, चलिए अगला क्या है, रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर पैनक्रियाज क्या करता है, तो आपको पता है कि पैनक्रियाज क्या करता है, आपका एक एंजाइम रिलीज करता है और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, आपका ट्रिप्सिन होता है, जो आपका प्रोटीन को, आपका जो ट्रिप्सिन इसका आपका करता है, ये ट्रिप्सिन रिलीज करता है जो आपके प्रोटीन को करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये यहाँ पर एक और रिलीज करता है जिसको लाइपेज बोलते हो, वो लाइपेज आपका किसके लिए करता है, वो आपके फैट्स को ब्लॉक करता है, जो आपके फैट्स होते हैं उनको ब्रोक डाउन करने में मदद करता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर एक तो लाइपेज हो गया और ट्रिप्सिन हो गया। लाइपेज जो करता है वो आपके फैट्स को, और ट्रिप्सिन जो करता है वो आपके किसको बेटा, प्रोटीन को करने के लिए मददगार होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं एसर्शन रीजनिंग के ऊपर, और आपको पूछा है कि बताइए यहाँ पर क्या होने वाले हैं, अगर आपका ए आर दोनों ट्रू हो तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अगर ए आर ट्रू है बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं कि आफ्टर द वॉशिंग द वॉल्स द शाइनी व्हाइट फिनिश ऑन वॉल इज ऑब्टेन आफ्टर टू और थ्री डेज।
ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव द शाइनी व्हाइट फिनिश। तो बेसिकली ये आपका किसका क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो बेसिकली पर इसका अगर हम बात किया जाए 14 क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर आपकी एसर्शन ट्रू है, क्योंकि आपको पता है कि जो व्हाइट वॉश होती है, जो व्हाइट वॉशिंग होती है, तो शाइनी फिनिश जो आती है उनके अंदर, वो 2 से 3 दिन के बाद ही आपकी आती है, उससे पहले आपकी नहीं आती। ठीक है, तो उसके पीछे आपके रीजन रहते हैं कुछ ना। तो बेसिकली आपका फर्स्ट वाला जो एसर्शन है वो ट्रू है, बट रीजनिंग आपकी ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि ए इज ट्रू, ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, आप इसका लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए, अगर अगले की बात किया जाए कि आपका फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल इन आर बॉडीज और द लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड चेन आर वेरी ग्रेटली, तो आपके इस चीज की बात किया गया। तो ये दोनों की अगर हम बात किया जाए, तो ये फर्स्ट वाले आपके दोनों आपके सही है, मतलब ए वाला भी ठीक है और बी वाला भी ठीक है। तो बी वाला आपके एंट्री जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसका रीजन क्या है आपका, यही रीजन है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज आपको पूछी भी है कि यहाँ पर ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर प्रेजेंट इन लो ट्रॉफिक लेवल, और ये किस वजह से होता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। तो ये नीचे वाला भी आपका दोनों ठीक है, यानी बी इज एसर्शन इज राइट, और उसका जो रीजन है वो आपका बी है। मतलब बेसिकली आपको ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, बस आपको अपने दिमाग लगाने हैं कि भैया यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। अगर 16 की बात किया जाए, तो 16 के अंदर आपकी रीजनिंग भी थी, आपका एसर्शन भी ठीक है और रीजनिंग भी ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या चूज करेंगे, ए चूज करेंगे। इन ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो दोनों वाले क्वेश्चन के अंदर एसर्शन तो आपकी ठीक थी, बट आपका इसका रीजनिंग इसकी ठीक नहीं थी दोनों की ना, तो इसीलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन को चुना गया है। ठीक है, चलिए, तो रीजनिंग आपकी दोनों की ठीक थी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका एसर्शन भी ठीक, रीजनिंग भी ठीक, बट ये बी वाले का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका नीचे वाला नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे बी चुना गया है। यहाँ पर 16 के अंदर आपके एसर्शन ठीक है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, रीजनिंग ठीक है, तो इसलिए इसको चुना गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको एक पूरा बोला हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज, एनर्जी अवेलेबल होती है कार्बोहाइड्रेट्स को और वो यूज किया जाती है ऑक्सीजन और उनके प्रेजेंस में। तो इसने यहाँ पर इसी के बेसिस पे 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए और बोला है कि आप इन चारों क्वेश्चन को कीजिए। तो एनर्जी इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय, एनर्जी जो होती है आपके हायर प्लांट और एनिमल्स के केस में जो ऑब्टेन की जाती है, वो किससे की जाती है, आपके टिश्यू रेस्पिरेशन से की जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे ग्राफ दिया हुआ और बोल रहा है कि आप मुझे बताइए कि ड्यूरिंग अ रेस इसका शोज अ ब्रेक पॉइंट एट डी, तो यहाँ पे आपको इसका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद इसकी एनर्जी डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसने क्या बोला है कि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन एंड अकर्ड विद एन एथलीट रनिंग 400 मीटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन्स दिस इवेंट। तो लैक्टिक एसिड जो होता है उसके प्रोडक्शन की बात कर रहा है आपका। तो जब आपका वो भाग रहा होता है ना रेसर, तो वो बहुत तेज भाग रहा होता है, तो पीक मतलब डी की बात करें तो वो बहुत तेज भाग रहा होता है, तो वहां पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है प्रॉपर, तो वहां पर आपकी जो रेस्पिरेशन होती है वो कौन सी होती है बेटा, आपकी एनोरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एनर्जी सप्लाइड और टाइम रनिंग इन फुल स्पीड, आपको 2 यहाँ पे दिए हुए और क्या पूछा है कि द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट ऑफ दिस जस्टिफिकेशन। अगर आपको यहाँ पर जस्टिफिकेशन की बात कर रहा है, यहाँ से ए और बी दिया हुआ है, आप ग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एक के अंदर आपका जैसे टाइम बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड के साथ साथ आपकी एनर्जी बढ़ रही है और स्पीड के साथ साथ आपकी एनर्जी एक बार बढ़ के डिक्रीज हो रही है। तो ये बेसिकली एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर ही आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा आपका एग्जैक्ट ठीक रहेगा। तो अगर हम बात करें तो सबसे एग्जैक्ट आपका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन बन रहा है, तो जो प्लॉट ए है वो आपका क्या है, एरोबिक, और प्लॉट बी क्या होगा आपका, एनारोबिक। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी हाई होगी तो वो आपका क्या करेगा, एरोबिक, और लो होगी तो क्या करेगा, एनारोबिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपसे, तो रिलीज इन द प्रोसेस ऑब्जर्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वहां पे आपके कौन कौन से इवेंट्स आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, नहीं जी गलत है, आपका रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये तो होता ही होता है,
ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी आपकी यहाँ पर होती है जी। हाँ जी सर, यहाँ पर रिलीज ऑफ एनर्जी भी होती है, और आपकी कम ऑक्सीजन जब मिलती है तो वहां पर लैक्टिक एसिड भी निकलता है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया आपका, सी हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि इनकरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन बतानी है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इस बार आपके पेपर के अंदर एरोबिक और एनएरोबिक के बीच में डिफरेंस पूछने के चांसेस हैं। ये वाला की पॉइंट आप यहां से नोट कर लेना, क्योंकि चांसेस क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपके एक सारे क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहाँ से इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बतानी है। अगर आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर बात करें तो आपकी लोकेशन, आपकी बाकी सारी चीजें तो यहाँ पर ठीक लिखी है। ऑक्सीजन यहाँ पर एरोबिक में नीडेड होते हैं, इसमें नीडेड नहीं होता, अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा निकलती है, इसमें कम निकलती है, एंड प्रोडक्ट CO2 वाटर होता है, यहाँ पर इथेनॉल और OH होता है, आपको रिएक्शन बता रखी है, बट इनकी लोकेशन गलत है। जो अगर एरोबिक होता है, जो एरोबिक होता है वो कह रहे हैं कि भैया एरोबिक आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ये लोकेशन गलत है, और एनएरोबिक माइटोकॉन्ड्रियम में होता है, ये बात गलत है। तो इनके अंदर लोकेशन आपकी गलत है, बाकी सारी चीजें ठीक दिए हुए। उसके बाद आपको यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में ग्राफ दिया हुआ, और उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर बता रखी हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर, इसी के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हुए हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। तो आपको बोला हुआ है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइल अल्कली मेटल। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, अगर आप लिथियम से जाएंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इससे अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर साइज जो एटम होता है वो आपका इंक्रीज करता है, साइज का एटम आपका इंक्रीज करता है, और इसी वजह से आपका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता था कि डाउन द ग्रुप जाते वक्त आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो बस इसने क्या बोला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटेलिक कैरेक्टर लगाना है मतलब उल्टे के अंदर आपको ऑर्डर में लगाना है। तो एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट आपका इन सभी के अंदर से अगर हम पूछें तो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑर्डर बनता है वो क्या बनता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेनियम और सीजियम। तो यानी जो सीजियम है वो क्या है, वो आपका उसका हाईएस्ट मेटेलिक करेक्टर है, और लिथियम का क्या होगा, आपका लोएस्ट मेटेलिक करेक्टर। डाउन द ग्रुप जाते वक्त आपकी जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, और नॉन मेटेलिक करेक्टर आपका इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ प्रेजेंट किया गया एंड थ्रू इट शोज अ नॉन मेटेलिक करेक्टर, वाई? कि हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के अंदर रखा गया है बट तब भी उसके अंदर नॉन मेटेलिक करेक्टर्स मिलते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उसको आप, इसका रीजन आपको बताना है कि हाइड्रोजन को भैया अल्कली मेटल के साथ क्यों रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना सकता है, H प्लस, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो हाइड्रोजन कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन लाइक अल्कली मेटल देन फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो बी इसकी क्या हो जाएगी, एकदम करेक्ट आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि इन सभी में से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है। मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, एकदम फ्लोरीन को बिना उसके चेक कर देना, क्योंकि हैलोजेंस की फैमिली लिखी हुई है और हैलोजेंस के अंदर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें तो 18 की बात किया जाए कि ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजन डाउन द ग्रुप। हैलोजेंस के अंदर जो आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहां पर आपकी चेंज क्यों होती है, आपकी यहाँ पर चेंज क्यों होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस की, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते वक्त धीरे धीरे आपका क्या होता है बेटा, साइज इंक्रीज कर रहा होता है एटॉमिक साइज, और वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एनर्जी होती है वो भी डिक्रीज करती है। तो अगर हम बात करें तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज आपका रेडियस बढ़ता है और टेंडेंसी टू द गेन इलेक्ट्रॉन आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गिरने का रीजन क्या है, ये आपका एग्जैक्ट रीजन दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आपका करेक्टली जस्टिफाइज द फ्लोरीन एंड एटॉमिक साइज ऑफ द लिथियम। तो आपको पता है कि यहाँ पर लिथियम, ये आपसे आपकी इसी बात कर रहा है, फ्लोरीन और लिथियम की बात कर रहा है। तो लिथियम आपका कुछ इस तरफ आता है और फ्लोरीन आपका कुछ इस तरफ आता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है आपका इन अ
पीरियड जा रहा है तो उसकी बात यहाँ पे आपसे करना चाहता है। तो बेसिकली आपका लिथियम का आपको बता रहा है कि भैया ये 152 है और ये आपका 72 है, तो ये एक सेम पीरियड में अलग करते हैं, बट तब भी इनकी एटॉमिक रेडियस इतनी डिफरेंट क्यों है? तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो आपका जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज कर रहा होता है धीरे धीरे। वो क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि वहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा होल्ड करके रखते हैं, जिस वजह से आपका साइज डिक्रीज हो जाता है। तो बताया था मैंने कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आपका जो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है आपको माइक्रोसॉफ्ट आपके माइक्रोस का बता रखा है कि आप यहाँ पर टेलीस्कोप बता रखा है कि आप मुझे इसके बेसिस पे कुछ आंसर दीजिए। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो इसने पूछा कि बेस्ड ऑन अ डायग्राम विच लेंसेस और सुमति नीड्स टू मेक द टेलीस्कोप। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो उसने कुछ ऐसे ऐसे लेंसेज लिए, ठीक है। तो ये लेंस आपके कैसे दिखने के होते हैं? ये आपके सर कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि सर आपके पावर दे रखी है, आपको एक पावर P1 आपको दे रखी है और P2 दे रखी है, किसके ऑर्डर में? 4:1 के ऑर्डर में आपको दे रखी है। आपको क्या मांग रहा है? फोकल लेंथ मांग रहा है। तो आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/F। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? अपोजिट हो जाएंगी। तो यानी इसका ऑर्डर क्या आ रहा था? अगर 4:1 आ रहा था तो आपके पावर वाले का ऑर्डर आपका क्या आएगा? 1:4 आएगा। तो पावर का अगर 1:4 आ रहा था तो फोकल लेंथ का कितना आएगा आपका? 4:1 आएगा। तो ये क्या था? 4:1। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1:4 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद द लेंस। आपको पता है कि अगर मैग्निफिकेशन अपने को निकालनी हो और किसकी बात करनी हो? लेंस की बात करनी हो तो आपको वहां पर क्या होगा? तो आपको पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होता है आपका। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का आपने मेरे से फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यही आपका बेसिकली फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन एक यहाँ पर दिया हुआ है मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। आपको यू दिया हुआ है, आपको वी दिया हुआ है, आपको दोनों को यहाँ पर डिवाइड करना है और मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी? 8 आपकी मैग्निफिकेशन निकल कर आ जाएगी। तो मैग्निफिकेशन आपको 3 दी हुई है, ये आपको 24 दिया हुआ था। आपको क्या निकालना था? ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी वी बाय यू। यू यहाँ से निकल जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन है कि आपको इसने पॉलिश किया और यहाँ पे उसके कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट द एडवांटेजेस शुड वुड टेक टू जॉइन दिस। तो बेसिकली वहां पर क्या करेगा इसका? इसका टेलीस्कोप के अंदर बातें कुछ लिखी हुई है, तो ये बातें आप पढ़ोगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका सी निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बार मैग्नेट के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको यहाँ पर करंट और उनके बीच में रिलेशन बता रखा है, तो व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्जन और सोलेनोइड के अंदर यूज होगा। तो सोलेनोइड के अंदर आपकी कन्वर्जन ये यूज होती है, वो कौन सी कन्वर्जन यूज होती है कि आप क्या करते हो? मैकेनिकल एनर्जी, मतलब आप मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर अपना चेंज लाने की कोशिश करते हो। तो सोलेनोइड के अंदर की अगर बात कर रहा है तो बाहर से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो और उस इलेक्ट्रिसिटी से आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट विल हैपन व्हेन अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के अंदर अगर हमने एक आपका वहां पर सॉफ्ट आयरन बार को रखा तो क्या होगा? सॉफ्ट आयरन बार को रखने से आपको पता है कि वहां पर क्या होता है कि जो बार होगी वो आपकी मैग्नेटाइज हो जाएगी एज लॉन्ग उसके अंदर से आपका करंट वहां पर चेंज होता रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड के अंदर आपके प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनोइड आर सिमिलर ऑफ दैट। क्यों, किसके सिमिलर होती है सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो किसके सिमिलर होती हैं? आपको बताया था कि वो आपकी किसके सिमिलर होती है? एक बार मैग्नेट की तरह सिमिलर होती है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आफ्टर एनालाइजिंग द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है और इनके अंदर से फॉलोइंग कौन कौन सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर आप यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट देखें तो सोलेनोइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट गलत है, मैग्नेटिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि सोलेनोइड के अंदर अगर आपको करंट का आपको मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करनी है तो बाहर से एक्सटर्नल करंट को इंक्रीज करो, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और वहां पे आपको अच्छा मिलेगा। तो उसका ओनली क्या आ जाएगा? ओनली सेकेंड आपका एक्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अगला पूछा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी सही है। तो आप ग्राफ की मदद से जब इसको यूज करेंगे तो ग्राफ की मदद से यूज करने से आपको फर्स्ट ऑप्शन सही मिलेगा कि 0.8 एम्पियर पे इतनी आपकी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो रही है,
ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी के आपके कुछ क्वेश्चन है कि एंजाइम्स आपको बता रखे हैं, एंजाइम प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, तो सिग्निफिकेंट रोल्स आपके कैसे प्ले करते हैं कि बाय डू बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, तो आपको बाइल जूस के बारे में बताना है। तो बाइल जूस क्या करता है आपका कि स्टमक को एल्कलाइन बनाता है, बेसिकली जो आपके पेनक्रियाट की एंजाइम्स होती है ना उसको बनाता है। तो बाइल जूस क्या करता है आपके जितने भी ग्लोबुलर्स हो गए उनको ब्रेक करने के लिए, फैट को ब्रेक करने के लिए, जो फैट इनसोल्यूबल होता है उसको ब्रेक करने के लिए, तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इसके लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, आप इसको आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन बर्ड एंड बेबल लेफ्ट एंड राइट हार्ट आर सेपरेटेड गिव रीजन, कि बर्ड और मेमल्स होते हैं तो उसके अंदर लेफ्ट आर्टरी है, वो लेफ्ट हार्ट होता है और लेफ्ट पार्ट होता है जो राइट पार्ट होता है वो दोनों आपके सेपरेटेड होते हैं। तो वो सेपरेट होने का रीजन क्या है कि जिसके अंदर आपका हाईएस्ट एफिशिएंट ऑक्सीजन आपकी उनके अंदर जा सके, इसीलिए उसके अंदर लेफ्ट और राइट पार्ट आपका डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिससे आपका आराम से आप सफिशियंट ऑक्सीजन उसके अंदर जा सके, सफिशियंट ऑक्सीजन के साथ साथ वो अच्छा टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन कर सके। तो 21st का आपका ये आंसर था। अगला कि स्टेट द इवेंट ड्यूरिंग अकर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और इट इज एसेंशियल टू टेक द अदर स्टेप इमीडिएटली, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको क्या होता है, आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर से वाटर लेता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर अपना खाना यानी कार्बोहाइड्रेट को और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो बेसिकली पहले लाइट एनर्जी लेगा, लाइट एनर्जी को किसमें करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, आपके मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने की कोशिश करेगा, वाटर के आपके एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद फिर आपके कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करेगा। तो बहुत सिंपल ये वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट द यूज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन और चार वैलेंसी है, नोबल गॉस कॉन्फिगरेशन है। तो बहुत सिंपल है कि कार्बन, आप कार्बन के बारे में यहाँ पर बता रखा है, तो कार्बन क्या करता है आपका कि चार, आप कार्बन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपको पता है कि कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की आपके ड्रॉ करने के लिए, अपना वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, उसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि गेन और लॉस करने के बाद वो सर अनस्टेबल हो जाता है। अगला कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज मोर देन दैट फॉर्म बाय द एलिमेंट पुट टुगेदर, तो नंबर ऑफ कार्बन आपके एक बहुत एक लंबी चेन बना लेते हैं, उसका लिंक, उसका आंसर क्या होता है क्योंकि वहां पर सर एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है जिसको कैटिनेशन बोलते हैं और ड्यू टू द कैटिनेशन आपका इतना लंबा प्रॉपर्टी, वो इतना लंबा अपना कंपाउंड बना सकता है। 24 वाले क्वेश्चन की बात करें तो 24 वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम सल्फेट को और आपका जिंक नाइट्रेट को, कैल्शियम सल्फेट को, इन सबको रिएक्ट कराया गया है और रिएक्ट कराने के बाद आपका कुछ ये ऑर्डर निकला है, तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, बहुत सिंपल है आपका, इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। 25 वाला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके ऊपर आपके यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए होंगे, तो इसमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन अगर हम देखें तो रीजन क्या है, रीजन क्या रहता है क्योंकि आपकी यहाँ पर डिफरेंट स्पीड होती है, डिफरेंट स्पीड होती है आपकी इनकी जब ये आपके रिफ्रैक्शन से निकलती हैं, तो यहाँ पर डिस्पर्जन की वजह से आपके डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट्स होती हैं इनकी, इसी वजह से यहाँ पर आपके ऐसे रेनबो फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो रेड होता है, रेड इसके अंदर अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, जो वॉयलेट की आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्लोएस्ट होती है, वो क्या होती है, स्लोएस्ट, और इसकी क्या होती है आपकी फास्टेस्ट, तो इसी वजह से आपका जो वॉयलेट होता है वो आपका ज्यादा डेविएशन करता है और रेड आपका लीस्ट डेविएशन के अंदर जाता है। ठीक है, चलिए तो बाकी जो 26 से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन 26 क्वेश्चन भी डिस्कस कर ही लेते हैं वैसे तो। अगर आपको यहाँ पर क्या पूछा है, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन निकालनी है और एंटायर सर्किट के अंदर बताना है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों जो हैं आपके, ये दोनों किस में हो जाएंगे आपके, पैलर में। तो यहाँ से सॉल्व कैसे कर सकते हो, 1/R = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, R1 R2 करके सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, आपको वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट की, आपको यहाँ से करंट की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, V = IR से, तो इससे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और फिर जो भी चीज पूछी हुई है, वोल्टेज ड्रॉप अप्रोक्सीमेटली आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आज 26 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी बच्चे भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप प्लीज गिव्स अ थम्स अप और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।